बारिश का इंतजार था, लेकिन इस बारिश के इंतजार से पहले इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां सड़कें तालाब में तब्दील हो जाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर गाड़ियां तो चल रही है, लेकिन उनके चक्के कहां जा रहे हैं, किस गड्ढे में फंसने वाले हैं, उन्हें इस बात का अनुमान तक नहीं है और इससे बड़ी परेशानी हो सकती है। कभी भी दुर्घटनाग्रस्त कोई भी गाड़ी या फिर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना ज्यादा बारिश का पानी एक दिन में हालत कर दिया हुआ है कि चमचमाती दिल्ली कहीं न कहीं बेहाल होती हुई दिखाई दे रही है। इसी पर हमारे संवाददाता खुशी राणा ने पूरे स्टोरी को कवर किया है। क्या स्थिति है, क्या हालात है, आइए हम देखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी, आज दूसरा दिन है और बारिश नजर आ रही है। आपको बता दें कि सुबह 4 बजे से लेके सवेरे 9 से 10 बजे तक लगातार दिल्ली में बारिश हो रही थी और काफी तेज बारिश का यहाँ पे देखना पड़ा, सामना करना पड़ा। वहीं अगर हम आपको बता दें कि तमाम इलाकों में इस समय बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर पानी वहां पर रुक गया है, ब्लॉक हो गया, पानी निकल नहीं पा रहा है, पानी भर गया है और लोग बुरी तरह से इन चीजों को लेकर परेशान है। तमाम सड़कों पे, कोनों पे वहां से गाड़ियों को और जो टू व्हीलर पे सवार लोग हैं उनको निकलने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम इस समय आपको बता दें, हम इस समय मौजूद है इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीचों बीच। बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में आप पानी यहाँ पे किस तरह से भरा हुआ है, तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा है। और ये कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है, ये बिल्कुल आप उस तरफ देखिए, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन आपको ठीक से सामने नजर आएगा और उसी के बाद ये पानी आप देख सकते किस तरह से भरा हुआ, बैरिगेटिंग तक कितना डूब चुके हैं दिल्ली पुलिस के बैरिगेटिंग, और ये जो पिलर्स है ये आधे आधे डूब चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो रोड पे भी आधे से ज्यादा रोड पर पानी इस समय फैल चुका है। गाड़ियों की गाड़ियां किस तरह से निकल रही है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोगों को किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। और ये हालात सिर्फ इस साइड में ही, आप उस साइड देखेंगे तो वहां पर भी आपको यही हालात देखने को मिलेंगे। वहां पे आपको हम बता दें कि उस इंडिया गेट है, बिल्कुल सेंट्रल दिल्ली में इस समय मौजूद है, यहाँ पे स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू नजर आ रही है। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे पुलिस चौकी और यहाँ पे पूरी तरह से जो यहाँ पे ट्रैफिक का एरिया है, ये देखिए किस तरह से ट्रैफिक को निकलने में दिक्कतों का सामना हो रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे। ऑटो को आप देख सकते हैं किस तरह से पानी में पूरी तरह से धस चुके हैं, उनके जो टायर है उनको निकलने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो इलाका है, ये दिल्ली सेंट्रल दिल्ली हमारा इलाका पड़ता है और यहाँ पे आप देख सकते हमारे खुद यहाँ पे पैरों में किस तरह से पानी आ रहा है और यहाँ पे हमें तमाम दिक्कतों का सामना हमें और जनता को करना पड़ रहा है। इस पूरे मामले पर सवाल ये होता है, क्या इस पूरे मामले को किस तरह से प्रशासन अब नियंत्रण में लेगी और किस तरह से दिल्ली को प्रशासन मानसून के लिए तैयार करेगी। कैमरा लैरो के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी।